और अब चूंकि वासिल शाहिद साहब हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप भी आज दुरूद पाक लिख रहे हैं। वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई। आज के दिन के बारे में जो पीस का एक पैगाम है, अमन का पैगाम है, और आर्ट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अमन का मुजाहिरा करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है आर्ट, तो क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। असल में फतह मक्का जो है ये ताकत पर मोहब्बत की फतह का दिन, वाह वाह, ताकत पर मोहब्बत की फतह का। आप देखें कि इंसानी तारीख में कोई ऐसी रियासत नहीं है जो ताकत के बगैर कायम हुई हो। रियासत मदीना और रियासत मक्का ये पहली रियासत है जहाँ पर कवानीन की ताकत के बजाय मोहब्बत को फ़रोग देकर वहाँ पर उसको कायम किया गया। यह हकीकत में अब वो जो तहजीब थी उस इलाके की, वहाँ पर नबी पाक ने जिसकी बुनियाद रखी, उससे जो आगे फिर सकाफत जन्म लेती है, सकाफत से फनून और फनून से रवायात, रवायात से इकदार, इकदार से मुआशरा जन्म लेता है, और जब मुआशरे की बुनियाद मोहब्बत पर होती है तो मुल्क, रियासत, इंसानियत सब बेहतरीन हो जाते हैं। लेकिन अगर तहजीब में कहीं मसला हो, यानी कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि मोहब्बत इसकी बुनियाद है, हमारी जो तहजीब है इसकी बुनियाद मोहब्बत है, वहाँ पर अगर बुनियाद में ताकत आ जाए, फिर ताकत की अपनी खुराकियात होती है, अपनी उसकी जो असर रसूख होते हैं वो अपने तरीके से लोगों पर अथॉरिटी रखती है, जिसकी वजह से मुआशरों में भी खराबी पैदा होती है। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम वापस उसी रियासत के साथ मिलें या वही जिसकी बुनियाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, तो ऐसे फनून को मुआशरे में आम कीजिए, क्योंकि ये लोगों में मोहब्बत फैलाते हैं, लोगों में सब्र, बर्दाश्त, सुकून, अमन का पैगाम देते हैं। हमारा तो मुल्क ही मोहब्बत, सब्र, अमन का एक नाम है, और हमने देखा कि इसी माह मुबारक में हम जहाँ अपनी इबादात में मसरूफ हैं और हम खूबसूरती से अपने प्यार और मोहब्बत से आज़ादी के साथ अपनी इबादतें कर रहे हैं, मसाजिद में रौनकें बहाल हैं, वहीं पर इसी महीने में हिंदू बरादरी का भी एक त्यौहार गुजरा जो उन्होंने बड़ी आज़ादी से मनाया, अपनी इबादत गाहों में गए, जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फिर जब ये पाकिस्तान इसी माह मुबारक में हमें नसीब हुआ 27वीं को, तो तब भी यही पैगाम था कि जो अक़लियतें हैं उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। और अब आप सब जानते हैं कि जो हमारी मसीही बरादरी है वो अपने ईस्टर के त्यौहार को मना रही है, तो वो तमाम लोग जो ईस्टर के त्यौहार को मना रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि आज़ादी से गिरजाघरों में जा रहे हैं, इबादत शुरू हो गई है, उनका जो गुड संडे, पाम फ्राइडे ये सब होता है तो वो भी उनका शुरू हो गया है, और यही है अमन का पैगाम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने राबिया की। मैं एक सवाल जो वासिल भाई से बड़ा ज़रूरी पूछ रहा हूँ, अगर हम खाना काबा की तस्वीर भी हम स्क्रीन पर अगर देखते हैं कभी भी, और जब वहाँ पर विजिट भी करते हैं, तो आप गौर से देखिए काबा, इनफैक्ट मैंने वो गिलाफ़ काबा के कई कुछ जगहों पर लगे हुए हिस्से भी देखे जहाँ पे बहुत खूबसूरत अंदाज में, एक तो ये देखिए ये क्या अंदाज में लिखा हुआ है, बड़ा प्यारे अंदाज में सारा उसके इर्द गिर्द उस दरवाजे पर हर जगह बड़ी खूबसूरत, ये देखिए ये अगर आप देखते हैं, और ये बड़ी प्यारी राइटिंग है ना, माशाल्लाह देखिए क्या ज़ियारत, क्या खूबसूरत, और क्या खुशबू आती है इस मकाम से। तो मुझे ये फतह मक्का के वक्त ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ किया और नमाज पढ़ाई, उसके बाद गिलाफ इसके ऊपर चढ़ाया गया, इसको तब्दील किया गया, यानी क्या शान है काबा की, हाँ क्या शान है। तो इसकी ये जो राइटिंग है, और आप जानते हैं ऐसा वो जो गेट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अगर आपने पिछले कुछ अरसे में जिन लोगों ने भी उम्रा किया या हज पर अगर गए हैं, वो तो एक गेट बन रहा था जो बिल्कुल खाना काबा के सामने से आप एस्केलेटर से नीचे जाते हैं, वो तामीर हो रहा था, तो वो इस महीने में उन्होंने खोल भी दिया है। तो अब आप जैसे ही उस गेट से एंटर होते हैं और आप जैसे ही जाते तो आपको पहली झलक दिख जाती है, पहले तो था ना आप नीचे जाके लेफ्ट पे जाते थे तो फिर आपको पहली झलक दिखती थी, अब एज सून एज यू गो ओवर देयर यू सी काबा सामने आपके। तो वास्तव में जो ऊपर लिखा हुआ है ये माशाल्लाह में काबे के अंदर का मंजर भी दिखाया जा रहा है। अच्छा ये जो ऊपर लिखा हुआ है मुझे उसके बारे में बताइए कि वो कौन सी राइटिंग है, और काले रंग का आप देखे गुलाफ है और खते सूरज में सोने का वर्क के साथ लिखा है, तारों के साथ, हम भी कोशिश करते हैं कि काले रंग के सोने की तारे होते हैं, धागा। आप वहाँ जाते तो आपको मौका देते हैं एक जगह बनी लिखने का। अब ये इस हवाले से हम बात कर रहे थे अभी कि ये मुख्तार मुफीज़ुर रहमान साहब जो खताते काबा हैं, गिलाफ़े काबा के जो खतात, उनकी खताती है वहाँ पर। अभी हम बात कर रहे थे तहजीब की, तो इस्लामी तहजीब की बुनियादी तीन सतून है उसके, वो है काबातुल्लाह,
किताबुल्लाह पे भी आप देखिए जो इस्लामी तहजीब की पहली बुनियाद है वहां पर भी खताती है बेशक किताबुल्लाह जब वो आई उसकी वही की खताती हुई है बेशक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्म मुबारक में खूबसूरती से खताती करते हैं आज भी यही कहे اللهم صل على محمد وعلى آل محمد तो इस्लामी तहजीब की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो उसके सुतून है काबतुल्लाह पर भी खताती किताबुल्लाह भी खताती है हमारी तहजीब देखिए उसमें हमने बात की तहरीर है वो शख्सियत परस्ती नहीं है बल्कि इल्मो फिकर है गौर फिकर है बसीरत है तो खताती के बगैर हमारी तहजीब मुकम्मल ही नहीं होती हमारा जो खुद क्या पहचान का सफर मुकम्मल ही होता अच्छा आप ये भी राबे बात नोटिस कीजिए कि चूंकि इस्लाम ने टैलेंट को बड़ा प्रमोट किया है आप हमारी पुराने वक्तों की मसाजिद देखिए उनका आर्किटेक्चर देखिए पुराने और तौर तरीके रहने के देखिए और फिर तस्वीर क्योंकि जरा नापसंद किया गया लेकिन उसके बरक्स खताती और लिखने पर और इन चीजों को प्रमोट किया गया दीन इस्लाम में अब उसकी एक वजह और भी देखें आप तस्वीर देखें या कुदरती मनाज़र देखें जो भी कुछ है वो फितरत में मौजूद है मादे की शक्ल में अब जब ये मौजूद नहीं है ये नहीं है फितरत में हम दिखाएं ये नहीं तो ये है अपनी जात के साथ ताल्लुक खुद को डिस्कवर करके कुछ कीजिए ठीक है जनाब डिस्कवर करते तो ताल्लुक बहुत खूबसूरत उसकी बरकतें इंशाल्लाह शामिल होंगी आप भी घरों में पढ़िए जितना हो सके कसम